हेलो एवरीवन, क्या हाल है? एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम फाइनली एट द किया शोरूम। एंड और बहुत ही सही और ज़बरदस्त वाली एक्साइटमेंट है मेरे को भी, क्योंकि वो खड़ी है सोनेट और मैं भी गाड़ी से नहीं उतरा हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू वॉच दिस स्टूपिड कार, बिकॉज इतना ही दिमाग खराब करा इस गाड़ी ने। दिस इज परफेक्ट फ्रॉम ऑल सेंसेस। मतलब कि जिस दिन लॉन्च हुई थी टीजर्स के बाद, जब इसका पता लगा तभी से, जब मैंने वीडियो भी बनाई, इट इज़ लाइक कि हर एक चीज़ में सही है। इट इज़ गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये टॉप ऑफ द चार्ट्स होने वाली है इन इन द कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट, और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे वेरियंट्स इन्होंने बनाया है, बट फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू सी इट लाइव। तो कुछ मेन मेन क्वेश्चन हैं, अभी दूर से काफ़ी आइडिया मेरे को लग गया है। एक कि ये ना शायद दिखने में छोटी लगती है, जो वेन्यू की भी प्रॉब्लम है। वेन्यू भी मैंने इंटीरियर में भी बैठ के बोला था कि कॉम्पैक्ट है, सबको सही है, बस बड़ी बड़ी रूमीनेस वाली फीलिंग नहीं है जो ब्रेजा में या नेक्सॉन में या बाकी सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में है। WRV में भी होगी, इकोस्पोर्ट में उतनी नहीं है, बट फिर भी वेन्यू दूर से भी छोटी लगती थी, फिर भी वेन्यू ने काफ़ी अच्छे नंबर्स करे। बट आज भी मेरे को वेन्यू से ये फीडबैक है कि अगर चार पाँच बड़ी बड़ी एसयूवीज़ खड़ी हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ भी खड़ी हैं, अगर ब्रेजा खड़ी है, इकोस्पोर्ट खड़ी है, नेक्सॉन खड़ी है, WRV खड़ी है और वेन्यू खड़ी है, तो वेन्यू डज नॉट लुक लाइक द सिमिलर सेगमेंट कार। वेन्यू लुक्स लाइक ए स्मॉलर सेगमेंट कार, और तो भी शायद उन्होंने सस्ते वेरियंट्स में निकाले थे एनीवेज। बट यहाँ से दूर से देखे, अब यहाँ पर सिर्फ सेल्टॉस और सोनेट खड़ी है, बट यहाँ से दूर से देख के मुझे साइज इसका डेफिनेटली वेन्यू के अराउंड ही है कहीं पे। बट सबसे बड़ी बात क्या थी कि सोनेट की जो स्टाइलिश लुक्स हैं उससे लोगों को उसके छोटे होने से भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लोग 60 लाख की रेंज रोवर इवोक भी खरीद लेते हैं, नो डाउट बंदा 50-60 लाख वाला डेफिनेटली बोलेगा मुझे बड़ी कार, बड़ी स्पेस चाहिए, बट वो इतनी ही सेक्सी और इतनी सही है कि जहाँ पर स्पोर्टी टर्म आ जाता है या जहाँ पर स्पोर्टी लुक्स आ जाती है, वहाँ पर बंदा कहता है साइज सब भाड़ में जाए। दिखने में अगर जबरदस्त लग रही है ना तो कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स कार जैसी मर्जी हो जाए, 2 सीटर हो, इम्प्रैक्टिकल हो, उसके लिए लोग पैसे खर्चने को तैयार हैं। तो आई थिंक विद इट्स वेरी सेक्सी एंड किलर डिजाइंस, इट इज गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर राइट नाउ। इनकी महिंद्रा भी है और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, आज तो सारे निकल में है, क्या बात है, मेरे को शर्म करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द कार मैन, ओ माय गॉड, R16 स्टैंड्स देखो यार गाड़ी का, ये तो बोनेट इज शेप, शोर बहुत है अभी आसपास, अभी क्या बात है यार। दिस इज द ऑटो वन, 7-speed DCT है फिर ये, फ्रंट पार्किंग सेंसर, फक मैन एवरीथिंग अबाउट दिस कार इज सो कूल, परफेक्टली प्रोपोर्शनेट, आपको तो इतनी सारी गाड़ियाँ ना, जैसे MG का भी ये सीन था, इतनी सारी गाड़ियाँ कि व्हील आर्चेस, मतलब व्हील्स के साइज़ और आर्चेस की डिसप्रोपोर्शनेट चीज़ें होती हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि टायर छोटे हैं, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, ना ज़्यादा बड़े लग रहे हैं ना ज़्यादा छोटे लग रहे हैं, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली साइज। क्या बात है, दिस रेड लाइन, आई थिंक दिस इज जस्ट इन द GT लाइन ओनली, GT लाइन ही है, क्या बात है, सीन दिस लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम, ये क्रेटा से इंस्पायर्ड लग रहा है, द सेम स्क्रीन इन द सेल्टॉस, द सेम ऑटो बॉक्स फ्रॉम द सेल्टॉस, सर कैसी है स्पेस? बढ़िया बढ़िया, आपको टाइट टाइट तो नहीं लगा? नहीं। आपकी हाइट काफी थी, क्या हाइट है आपकी? आपकी क्या हाइट है? मेरी 5'11". हाँ, बड़ी, बट आई थिंक यू आर वेरी कंफर्टेबल, हेडरूम से। क्या बात है सर, हैंडसम लग रहे हो,
बट आई थिंक यू आर सिटिंग वेरी कंफर्टेबल है ना, थाई सपोर्ट ठीक है, बट आपकी हाइट भी लंबी है ना, कॉम्पैक्ट है कार। थैंक यू भाई, ज़्यादा इजीली देख लिया ना, क्या बात है, क्या बात है। Finally, we are inside the Sonata on the fucking driving seat and my most favorite place and I really love this car. इन्होंने चाबी निकाल ली है तो काफी चीजें हम नहीं शायद ऑन कर पाएंगे, बट पहले मैंने ऑन कर दी थी। सो थिंग इज कि वेरी क्विकली मैं आपको पहले सबसे मेन प्लस पॉइंट बताने वाला हूँ। एक किसी अंदर वेंटिलेटेड सीट्स है विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। नंबर दो कि बाहर से ये 1.5 लीटर डीजल ऑटोमेटिक है जो सबसे ही जबरदस्त ड्राइव ट्रेन और सबसे ही यूनिक प्रोपोजिशन है। क्यों? क्योंकि अब तक किसी भी सी सेगमेंट एसयूवी में एक प्रॉपर ऑटोमेटिक कार नहीं है, या तो एएमटीज है या सीबीटी वगैरह भी किसी में नहीं है। जितनी कॉम्पैक्ट एसयूवीज है किसी में प्रॉपर डीजल ऑटोमेटिक नहीं है। अगर इकोस्पोर्ट में डीजल ऑटो होता है बहुत बिकती, बट उन्होंने सालों ने नहीं बनाई, चलो व्हाटएवर उनकी मर्जी। एएमटीज ज्यादा लोग पता नहीं क्यों नहीं लेते, जबकि एएमटी मेरे को भी कोई खराब नहीं लगती, दे आर वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि डिजायर एएमटी मेरे पास थी। बट फाइनली दिस इज द फर्स्ट कार जिन्होंने इसमें डीजल एटी डाल दिया। और जब इसका लॉन्च वीडियो था और जब इन्होंने बोला यार कि अब हम डीजल ऑटोमेटिक भी दे रहे हैं, सो आई वाज वेरी हैप्पी। और मेरे मन में एक चीज ही थी, उसके बाद में 3-4 दिन बाद उन्होंने रिवील कर दिया था कि क्योंकि i20 में या जिसके अंदर भी जो 90 bhp इंजन ऑप्शंस हैं इस इंजन के, वरना वाले या हुंडई वाले भी, तो अब तक किसी के अंदर भी डीजल ऑटो बॉक्स नहीं है। और अगर डीजल ऑटो बॉक्स है वो क्रेटा वाले इंजन स्पेसिफिकेशन में था, और मैं तब भी बहुत स्पेसिफिक था कि नो डाउट जो इसका नॉर्मल डीजल इंजन होगा वो 90 bhp का होगा, बट यार ऑटोमेटिक के लिए ये 90 bhp वाले के साथ ऑटोमेटिक जोड़ेंगे, उससे बेटर यही होगा कि ये साले सेल्टॉस वाले ना डाल दें। और आई वॉज वेरी हैप्पी जब मुझे पता लगा कि उन्होंने एक्चुअली सेल्टॉस स्पेसिफिकेशन में इसको डाल दिया, विच मीन्स कि आपको वही 1.5 इंजन से BS6 वाले से आपको सेल्टॉस वाली पावर फिगर्स मिलेंगी। तो इट इज नाउ 115 bhp विद इवन मोर टॉर्क। तो इट्स लाइक क्रेटा और सेल्टॉस वाला जो इंजन है, इंजन वैसे भी सबका सेम था बट स्पेसिफिकेशंस नॉर्मल सोनेट की पावर फिगर सारे इंजन की कम है एज कम्पेयर टू द पावर फिगर्स ऑफ द सेल्टॉस। सेल्टॉस का टर्बो पेट्रोल 140 bhp है, सोनेट का टर्बो पेट्रोल वेन्यू वाला 100 bhp है, बट इनका टर्बो डीजल सेल्टॉस में भी 115 bhp। सो क्रेटा और सेल्टॉस में जो टर्बो पेट्रोल है वो 1.4 वाला वो 140 bhp है, बट जो वेन्यू में जो टर्बो पेट्रोल है वो 100 bhp है। बट दिस थिंग हियर, ये डीजल वाले में इन्होंने क्रेटा और सेल्टॉस वाले ही 115 bhp का इंजन डाला है। सो बेसिकली क्रेटा वाली पावर, क्रेटा वाला इंजन, क्रेटा वाला गेयरबॉक्स, सब कुछ क्रेटा वाला, डायरेक्टली इन्होंने 100 में डाल दिया। सो अगर आपको छोटी गाड़ी में बड़ी गाड़ी के पावर फिगर्स और बड़ी गाड़ी वाले नंबर्स मिलते हैं तो डेफिनेटली ये गाड़ी बहुत ज्यादा भागने वाली है। जैसे कि इकोस्पोर्ट का इंजन उन्होंने फीगो में डाला तो इट बिकेम अ पॉकेट रॉकेट। सो अगर ये सेल्टॉस और क्रेटा वाला इंजन जो 19 लाख तक की और इतनी भारी गाड़ी को भी इतना भगाता है, उस इंजन को छोटी कार में डालेंगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी मच 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 फास्टर कार, और ये ही सबसे अच्छी बात है। एंड सेकंड थिंग, जीटी लाइन के टॉप मॉडल में भी, मतलब बिल्कुल टॉप एंड मॉडल में भी इन्होंने वो चीज डाल दी है। मुझे पहले लग रहा था टर्बो पेट्रोल कार खड़ी है, बट नोइंग के टर्बो डीजल है आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज डीजल गाड़ी लेने वाले अलग ही एक क्लास है। बहुत लोग हैं जिनकी गाड़ी दिन में बहुत चलती है, बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, बट आज भी नो डाउट कोरोना के कारण लोगों का ट्रैवल काफी कम हो गया है, बट फिर भी डीजल्स आर हेयर टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज जिनकी कार बहुत चलती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक मी, अब मेरी ऑलरेडी सी आज अभी 2 साल भी नहीं हुए, इट्स ऑलरेडी 50-60,000 चल गई है, उन्होंने जब तक 2 साल पूरा होना है इसने 80-90,000 चल जाना है। अब मेरे जैसे बंदे को पेट्रोल वारे नहीं खाता कुछ भी हो जाए, और डीजल में हर बार लोग पता नहीं क्यों गियर ऑप्शन सही से देते नहीं है, पेट्रोल में उन्होंने नॉर्मल निकाल देना और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स निकाल देना, बट डीजल में पता नहीं क्यों कितनी गाड़ियों में डीजल ऑटोमेटिक आता ही नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट जो सबसे हॉट सेगमेंट है, हर मतलब होंडा वाले बंदे ने भी बोला यार कि होंडा में प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनकी WRV नहीं अच्छी चल रही, जबकि हर कंपनी को आज उनकी कॉम्पैक्ट एसयूवी पिक कर रही है, इसीलिए लंबॉर्गिनी और रोल्स रॉयस ने भी एसयूवीज बना दी। सो पॉइंट इज कि अगर एक सेगमेंट जो इतनी अच्छी चल रही है उसके अंदर एटलीस्ट सारे ऑप्शन होने चाहिए, और किया ही ऐसी गाड़ी है, तभी सेल्टॉस में उन्होंने 22 वेरिएंट्स निकाल दिए थे, किया ही ऐसी कंपनी है जो लिटरली ये चीज सोचती है और हर तरह के वेरिएंट्स निकालती है, इट्स लाइक अ किया फॉर एवरीवन, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी सिटिंग हियर। तो बहुत सारी चीजें तो इसकी सोनेट सेल्टॉस वाली ही है, स्टेयरिंग व्हील इसका सेल्टॉस वाला जो बहुत जबरदस्त था, इसके टच, इसके स्टेयरिंग कंट्रोल, इसकी फीलिंग, फ्लैट बॉटम्ड है, द लेदर रैपिंग इज वेरी गुड, यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल बहुत अच्छा है। सेल्टॉस चलाते वक्त मेरे को एक इशू आया था कि जब मैंने उसका ड्राइव ट्रेन मोड स्पोर्ट्स में करा था तो वो बहुत भारी हो गया था स्टीयरिंग, विच आई डिडंट लाइक। आई डोंट वॉन्ट कि जब मैं गाड़ी फास्ट चलाना चाहूँ तो गाड़ी का स्टीयरिंग आर्टिफिशियली भारी हो जाए, मैं चाहता हूँ कि उसकी प्रिसीजन अच्छी हो स्टीयरिंग की, ताकि अगर मैं फास्ट चलाऊँ जैसे मर्जी चलाऊँ तो गाड़ी मेरे हाथ में रहे। हुआ क्या, मैंने जैसे इसको ड्राइव ट्रेन को स्पोर्ट में करा स्टीयरिंग ओवर भारी हो गया,
इट वॉज लाइक वो हाईवे के लिए तैयार हो गया, जबकि मैं शहर में ही कार भगा रहा था और मैं जो टर्न बहुत अच्छे से ले सकता था वो इतना भारी हो गया कि मैं अच्छे से ले ही नहीं पा रहा था। तो मुझे बहुत डेटरेंट लगा। आई होप एक बार ड्राइव करता पता लग जाएगा कि इसका स्टेयरिंग वैसे भारी होता है, बट क्या पता ऐसे ही पता लग जाए। तो नाइन मंथ स्पोर्ट नहीं पता लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा इसका वेट चेंज हो रहा है। आई होप रियल लाइफ में भी ऐसा हो, बट क्या पता से पता नहीं लग रहा हूँ। अदर देन दैट एवरीथिंग इज सो गुड। इनकी रेड स्टिचिंग हेयर और सेल्टॉस की जो मैं बात कर रहा हूँ जीटी लाइन की, वो 19-19.5 लाख की है, मतलब 19.36 की ऑन रोड पड़ी जो मैं चला रहा था, 19.36 की ऑन रोड पड़ी जीटी लाइन प्लस। एंड अगर ये गाड़ी 13 लाख में भी आ जाती है या 13.5 लाख में भी आ जाती है, मेरे को लग रहा शायद उससे ज्यादा जाएगी, मैं कह रहा हूँ चलो 14 तक भी आ जाती है, बिल्कुल टॉपेस्ट मॉडल डीजल ऑटोमेटिक, तो इट्स अ किलर प्राइस टैग। बिकॉज अगर आपको 13-14 लाख में सब कुछ मिल रहा है एंड यू आर नॉट अ पर्सन जो हमेशा 4-5 लोगों से ट्रैवल करते हो, या आपको हमेशा ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती, या आपको एक ओवर रूमिनस वाली फीलिंग नहीं चाहिए होती, सो दिस इज लाइक अ परफेक्ट इंडिविजुअल व्हीकल। तभी मैं इसको रेंज रोवर इवोक से कंपेयर कर रहा था। और आज से पहले इको स्पोर्ट ये चीज कर पाई बिकॉज लोगों को इको स्पोर्ट में वो क्वालिटी वो फीचर्स वगैरह मिलते थे, लोग लगता था नहीं दिस इज ड्राइवर्स कार, कि दिस कैन बी माई पर्सनल व्हीकल और उसकी लुक्स बड़ी जबरदस्त थी एंड एवरीथिंग। एंड अब सेल्टॉस सोनेट में, और इको स्पोर्ट भी बेचारी आउटडेट हो गई, वो उतने फीचर नहीं ला पा रही, बट नाउ सोनेट में विद ऑल द न्यू एज फीचर्स विद अ डीजल ऑटोमेटिक एंड अ पर्सन हु स्पेंड्स डीजल कार मीन्स फॉर अ पर्सन जो अपना टाइम गाड़ी में ज्यादा स्पेंड करता है। अब मैं अपनी गाड़ी में बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, मेरी बहुत ज्यादा चलती है, मुझे इतना ट्रैवल करना पड़ता है, और जितना टाइम मैं अपनी गाड़ी में ज्यादा स्पेंड करता हूँ, मेरे लिए कार के अंदर फीचर सब कुछ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग कभी कभी कार चलाते हैं जिनकी पेट्रोल गाड़ी कम चलती है, उनके लिए उतना जरूरी शायद नहीं होगा, उनको था कि हम जब निकले तो मजा आए, बट फॉर अ पर्सन जो बेचारा अब यहाँ से मैं दिल्ली जा रहा हूँ अप डाउन कर रहा हूँ पूरे पूरे दिन, मैं सुबह जा रहा हूँ रात को आ रहा हूँ, 10-10 घंटे 12-12 घंटे 13-13 घंटे कार में ही हूँ, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या फीलिंग है, साउंड सिस्टम कैसा है, उसकी सेफ्टी कैसी है, मैं एज अ ड्राइवर एम आई बींग पैम्पर्ड बाय द कार और नॉट, हाउ माई फीलिंग विद ऑल द कंट्रोल्स ऑल अराउंड, व्हाट आर द फीचर्स दैट आई हैव, कि मेरे को जैसे अब इसमें हेडसअप डिस्प्ले नहीं है, बट जैसे सेल्टॉस में हेडसअप डिस्प्ले थी, तो आई वॉन्ट टू फील वेरी VIP टाइप्स, यार कि मेरे को सारी फीलिंग होनी चाहिए। अब इंजन मेरा कितना जबरदस्त है, वो चाहने कि मैं कंफर्टेबली क्रूज करना चाहता हूँ, चाहने कि मेरा अब मैं शाम को वापस आ रहा हूँ, मेरा मन कर रहा हूँ बहुत बहुत फास्ट घुमाऊँ। अब इनकी इसकी DRL सामने आपको मे भी दिख रही होंगी अगर, तो कितनी ही सुंदर लग रही है। क्या बात है, मेरी एक आदत है कि मैं जब भी कार में होता हूँ बाइक में होता हूँ, आई जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट द मिरर्स की यार कि मैं गाड़ी में कैसा लग रहा हूँ, या गाड़ी कैसी लग रही है, बाइक कैसा लग रहा है। एंड ऑन दैट फ्रंट दिस इज अ परफेक्ट किलर, इट इज सच अ गुड कार। और सारे बेसिक फीचर्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स मैंने आपको बता दिया है, उसके अलावा ऑल द गुड थिंग्स यार, आपने ब्रोशर में भी पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली, वायरलेस चार्जिंग ये वो वगैरह। अब मेरे को पता, मैं अपने फोन से मतलब मेरी कार में डैश चार्जर लगा हुआ OnePlus वाला, बट मैं उसकी वायर से बहुत परेशान होता हूँ, मुझे लगता है वायर होनी ही नहीं चाहिए। एंड दैट इज सच अ गुड थिंग कि वायरलेस चार्जर आपने यहीं पे लगाया, वायरलेसली चार्ज भी हो रहा है और आपको ब्लूटूथ भी चल रहा है, एवरीथिंग इज वायरलेस, क्योंकि वो कभी वायर, कभी मैं बेल्ट लगाता हूँ तो वायर कभी कैसे हट जाती है, कभी कैसे हट जाती है, सो इट्स लाइक अ टोटल वायर फ्री वर्ल्ड। और वायरलेस चार्जिंग इज अ बिग थिंग इन दैट, और ये भी इसमें सेगमेंट फर्स्ट है, तो इन्होंने ये फीचर डाले हैं। दूसरी बात, अब वेंटिलेटेड सीट्स लोगों के लिए सिर्फ एक गिमिक होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम नो डाउट अपने कार के अंदर आते हो, एसी ऑन करते हो, बहुत हॉट डे है और आपके पीछे से शर्ट गीली हो जाती है, आप सुबह सुबह तैयार होकर जा रहे हो ऑफिस या कुछ जा रहे हो। मुझे याद है मैं बहुत बार ना जब, और आई स्वेट अ लॉट, और बहुत सारे लोग इंडियंस स्वेट अ लॉट, और बहुत बार ये होता है कि मैं गाड़ी के अंदर बैठ के ना सीट पीछे करके ना एसी चला के ऐसे बैठा रहता हूँ काफी देर, यार कि एक बार पीछे भी सारी एसी उसी आराम से नॉर्मल हो जाए, कि ये ना हो कि मैं आगे से तो एसी मेरा चल गया बट पीछे से मैं गीला ना हो जाऊँ और स्वेटिंग ना हो जाए। और बड़ी बार अगर आप ऑलरेडी स्वेट हुए हो तो फिर ये स्वेट सूखता ही नहीं है और आप वहीं पर गीले हो जाते हैं और ये आपको वहीं पर लगता रहेगा और आपकी पीठ पर लगता रहेगा, बट विद वेंटिलेटेड सीट्स दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, और ये बहुत बड़ा कंफर्ट लेवल है। सिमिलरली इन्होंने मैनुअल वर्जन में भी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी हुई है, रिमोट स्टार्ट इंजन स्टॉप दिया हुआ है, और वो भी एक बहुत अच्छा यूटिलिटी फीचर है। मैंने होंडा सिटी वीडियो में बताया था कि अगर आप एक 50 लाख की कार ले रहे हो उसके अंदर भी अगर रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप नहीं है, दैट मीन्स आप गाड़ी के बाहर से कार का एसी या टेम्परेचर नहीं कंट्रोल कर सकते इंजन ऑन करके। एंड अगर दुनिया ने ये फीचर बना दिया, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में आपको अगर पावर विंडो ना मिले तो आपको लगा वाई एम आई डूइंग लाइक दिस, जबकि एक इलेक्ट्रॉनिक बटन दबा के शीशे ऊपर कर सकते, मुझे जोर क्यों लगाना है। मतलब कुछ कुछ चीजें यूटिलिटी में इतनी हाई होती हैं, फॉर एग्जांपल आज हम ऑटो एसी की बात कर रहे हैं, ऑटो एसी यूटिलिटी में उतनी हाई नहीं है, ऑटो एसी भी बहुत लोग डाल रहे हैं, बट ऑटो में क्या फर्क है कि आपने पंखे की जगह टेम्परेचर कंट्रोल करना है, पंखा अपने आप कंट्रोल हो जाता है, इट्स नॉट दैट बिग अ फीचर। तभी इतने लोग यूज भी नहीं करते, लो पे छोड़ के यूज करते रहते हैं, ऐसे लोगों को यूज करना नहीं आता ऑटो एसी सही से,
बट मैनुअल एसी में क्या है कि आप पंखा और टेम्परेचर दोनों इंडिविजुअल कंट्रोल कर लो. दिस इज नॉट सच अ बिग यूटिलिटी डिफरेंस जितना पावर विंडो है कि यार ऐसे ऐसे करने के बाद सिर्फ बटन से देखो शीशा ऊपर नीचे हो गया. इट्स लाइक वन ऑफ द बेसिक फीचर कि वो होना चाहिए. शीशे फोल्ड करना बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत बार आप ट्रैफिक में जाते हो, आप कभी भी यहाँ पे बैठे मैं बाहर से अपना शीशा फोल्ड नहीं कर पाऊंगा और बहुत बार शीशा बाहर से ठुकता रहता है, बजता रहता है. सो इट्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज हाई ऑन यूटिलिटी फीचर. सिमिलरली इंजन स्टार्ट स्टॉप इज अ वेरी हाई ऑन यूटिलिटी फीचर बिकॉज एक बहुत बड़ी बात है कि आप अगर तैयार होकर अपने घर से निकल रहे हो एंड यू हैव अ वेरी गुड कार, आपने पैसे खर्चे हैं और अगर दुनिया ने फीचर बनाया हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं तो कहता हूँ यार ये फीचर का 40,000+ का ऐड होता है या 20,000-30,000 का भी ऐड होता है, इट शुड बी ऑन ऑल द वेरिएंट्स. कमिंग टाइम्स में मैं चाहूंगा कि हर गाड़ी में ये फीचर हो कि आपको गाड़ी के अंदर बैठ के एसी ऑन करना है, हीटर ऑन करने की जरूरत ही ना पड़े. आप लोग अपने घर के एनवायरमेंट में हो, दैट इज अ कंट्रोल टेम्परेचर एनवायरमेंट, और आपकी कार है विच इज लाइक अ स्मॉल मूविंग होम, उसके अंदर भी आप पहले ही उसका टेम्परेचर अच्छे से कंट्रोल कर पाओ ताकि अब द मोमेंट यू एंटर इनसाइड द कार उसका टेम्परेचर सेट है, सब कुछ सेट है ऑलरेडी. उसमें गर्मी है तो ठंडी हवा चल रही है, अगर आप सर्दी है तो ऑलरेडी उसमें हीट है, तो आप अंदर घुस के नहीं कर रहे हो. या अगर आप गर्मी से आ रहे हो तो आपको ये ना हो यार एसी चलाओ, शीशे डाउन करो, शीशे डाउन करो तो और लू आ रही है, पता नहीं क्या करो यार, मुंह पे मारो. ऑल दैट थिंग गोज ऑफ इफ यू हैव दैट फीचर. और अब तक सिर्फ ऑटोमेटिक में था, बाकी गाड़ियों में धीरे धीरे लोगों ने डालना शुरू कर दिया, बट सोनेट में इन्होंने मैनुअल कार में भी डाल दिया. इट्स अ वंडरफुल फीचर. और आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी में एक छोटी सेगमेंट में इतने हाई ऑन यूटिलिटी फीचर्स अगर दिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. और पता इट शोज की कंपनी क्या कहना क्या चाह रही है. बहुत सारी कंपनीज भी ये चीजें कर सकती हैं बट वो करती नहीं है, वो कहते नहीं हमने गाड़ी में टॉप एंड में भी नहीं डालना. और वेरियंट बने ही तो इसलिए है ना यार, जिसने वो फीचर नहीं लेना वो ले लेगा मिडिल वेरियंट यार. तो टॉप मॉडल आप बना दो यार 1.5 लाख महंगा, बट उसमें सारी चीजें तो दो, वो वर्थ इट तो होना चाहिए. और बड़ी सारी गाड़ियों के क्योंकि बहुत सारी दुनिया से टॉप एंड लेना चाहती है बट उसमें भी वो फीचर्स के अंदर चिंदी चोरी कर लेते हैं. टॉप एंड आपका ठोक के बढ़िया होना चाहिए, तभी देयर इज अ सोनेट फॉर एवरीवन. एंड आई एम मतलब ये कंफर्म हो गया ऑलमोस्ट कि 6.99 लाख से इसका बेस पेट्रोल वेरियंट स्टार्ट होने वाला है. सो सड़क पे जो 8 लाख की सोनेट या 8.5 लाख की सोनेट भी अगर घूम रही होगी वो भी विल बी इट्स लाइक इक्वली गुड टू ऑल अदर सोनेट्स. मतलब आपकी जैसे कहते हैं ना कि क्रेटा 11 लाख की भी आती है 19 लाख की भी आती है, तो 11 लाख की क्रेटा वाला बंदा भी कहता है यार 19 लाख वाली गाड़ी वाली, मतलब 19 लाख के लेवल वाली कार ली है मैंने, तो वो बहुत बड़ी बात है कि देयर इज अ सोनेट फॉर एवरीवन. एंड दिस इज आई फील वेरी हैप्पी विद व्हाट किया इज डूइंग. एंड किया एक्चुअली नब्ज पकड़ के बैठा लोगों की. अभी मैंने कार्निवल देखी, कार्निवल में भी 30-35 लाख की गाड़ी में 70-80 लाख की गाड़ी वाले फीचर थे. इट इज सो मच बिल्ट अराउंड द कस्टमर कि एक्चुअली लोगों को गाड़ी में क्या चाहिए. कि अब ऐसी कंपनी लगती है कि जो एक्चुअली समझती है कि लोगों को क्या चाहिए, कि अगर कोई टेक्नोलॉजी दुनिया में अवेलेबल हो गई है कि लाइक नहीं वी शुड गिव इट टू द कस्टमर, नॉट अनलाइक अदर कंपनीज की अच्छा कोई दे रहा है नहीं दे रहा, साथ वाला दे रहा है नहीं दे रहा. तो दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग. एंड जस्ट लाइक दैट आपको पता है मैं टोको ड्रिफ्ट देखा था पीछे, फास्ट एंड फ्यूरियस टोको ड्रिफ्ट, उसके अंदर ना हान जो उसका करेक्टर है वो डायलॉग बोलता है कि यार कि since you are going to roll with me so it's like a racing crew, so since you are going to roll with me I'll not let you drive a Hyundai. So Hyundai ka naam hi kharab hai, it's not good for driving. Hyundai does not make driver cars but Kia is changing that. With Kia you can actually have fun behind the wheel. Bahut log na i20 ko leke bade sentimental hai but mujhe pata hai kisi bhi acche driver vehicle bande ko pata hai ki i20 is not a good driver's car. Logo uski engine power achhi lagti hai isliye log kehte hain but it's not a good driver's car. But किया की सेल्टोस बहुत जबरदस्त थी. एंड विद दिस सोनेट सीइंग इट्स कॉम्पैक्टनेस, सीइंग इट्स पावरफुल इंजन, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. और क्योंकि पिछले का स्टीयरिंग भी काफी अच्छा था, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस इज गोइंग टू बी वंडरफुल ड्राइवर्स का, वंडरफुल ड्राइवर्स का. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ड्राइव वेरी सून बिकॉज ड्राइवर के हिसाब से गाड़ी बहुत परफेक्ट बनी हुई है. इसके अंदर रूमिनेस के इशूज हैं, स्पेस के इशूज हैं. मैं एक साथ में इसकी वीडियो भी डालूंगा कि कुछ कस्टमर ने ऑलरेडी बुक करी थी तो वो पीछे बैठे थे, देवर लाइक लिटिल प्लस साइज, बट डेफिनेटली जो वेन्यू वाला सीन था कि दिस कार इज नॉट गुड फॉर 3 पीपल और 3 एडल्ट्स, तो वो भी फीडबैक आपसे शेयर करूंगा. तो वो कह रहे हैं कि इसलिए उन्होंने सोनेट कैंसिल कर दिया लेनी, बट एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, अब तभी रेंज रोवर इवोक में भी उतनी जगह नहीं है कोई. बट पॉइंट इज इट्स अ लाइफस्टाइल व्हीकल, सो सोनेट इज अ लाइफस्टाइल व्हीकल. डेफिनेटली यू कैन यूज इट फॉर फैमिली, फॉर अ न्यूक्लियर फैमिली राइट, बट फॉर मी आई लुक इट एज अ लाइफस्टाइल व्हीकल. कि इसको देख के फील आती है यार मेरी गाड़ी, मतलब दिस इज द कार कि द मोमेंट यू विल पार्क इट आप मुड़ मुड़ के इसको देखोगे यार मेरी कार है यार, मेरी कार है, कितनी सुंदर है, क्या जबरदस्त है. सो दैट इज व्हाट दिस कार गिव्स, इट गिव्स यू सच अ लेवल ऑफ डिजायरेबिलिटी कि हाँ यार ये लेनी है. तभी इतनी बुकिंग्स हुई है इसकी ऑलरेडी बिना लोगों, मतलब सिर्फ एनवील के बाद ही लोगों ने इतनी बुकिंग करी. दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट व्हीकल, ग्रेट प्रोडक्ट, इट इज गोइंग टू सेल इन ग्रेट नंबर्स. आई विल डेफिनेटली वॉन्ट यू कि बस ड्राइव वीडियो मैं एक दो दिन में डाल दूंगा
अदर देन दैट इसके अंदर सारे फीचर्स जो मैंने मेन में थे जो डिफरेंट बता दिए थे, बाकी सारे कॉमन फीचर्स ही हैं। अब ये किया और हुंडई वालों ने ये शुरू करा है कि ये एयर टेम्प एयर प्योरीफायर देने लग गए हैं, सो दिस ऑल्सो एयर प्योरीफायर है। पीछे रियर ए सी सी रियर वेंट्स हैं, दिस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड दो। और पिछली स्पेस का मैं आपको साथ जो वीडियो डालूंगा आपको उसमें पता लग जाएगा पिछली स्पेस कितनी कंफर्टेबल है और क्या चीज़ है। स्टिल आई कैन गो बैक एंड टेल यू, लेट मी I'm sitting in the rear space of Kia Sonet. So very quick feedback, just like Venue, because space is ki Venue wali hai, just like Venue. This is a little upright, the seat is a little upright. I wish agar thodi laid back hoti to more comfortable hoti. Legroom iska bahut tight hai. I will not say ki aapki laatein jud rahi hain samne, but still I will not say it is very spacious. And this is compact SUV ka matlab ye hota hi hai. Honda ne WRV mein bahut jagah de diya, I agree. But since it's a compact SUV, so this is ye aap maan ke chalo ki hoga. Do not compare it to sedans or लॉन्ग हैच बैग्स। सो और ये जो इसकी ये भी सीट है, थाई सपोर्ट भी, आई विल नॉट से इट्स वेरी ग्रेट, इट्स गुड इनफ। बट अगर मेरी हाइट, मैं 5'6" 5'7" हूँ, अगर मेरी हाइट पे मेरे को लग रहा है कि थाई सपोर्ट शायद ज़्यादा होता तो आई विल से कि थोड़ा कम है, दे कुड हैव डन अ लिटिल बेटर ऑन इट। अदर देन दैट एवरीथिंग इज गुड। एक चीज़ और जो मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रंट सीट को आप ज़्यादा पीछे नहीं कर सकते, तो जो ज़्यादा लंबे लोग हैं 6 फुट वाले, आई थिंक दे वोंट बी 6 फुट और 6'1" वाले, दे वोंट बी दैट कंफर्टेबल इन दिस कार। उनको ये गाड़ी छोटी लगेगी, अगर वो ड्राइव भी करेंगे तो भी उनको छोटी लगेगी, क्योंकि गाड़ी एक लिमिट से ज़्यादा सीट पीछे आने ही नहीं दे रहे, क्योंकि अगर ज़्यादा पीछे आने देंगे तो पीछे जगह बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो बहुत स्मार्टली प्ले करा उन्होंने। अदर देन दैट एवरीथिंग एल्स फील्स वेरी गुड। दिस फील ऑफ द डोर, दिस फील, द बटन्स, एवरीथिंग फील्स रियली गुड। और सबसे बड़ी बात, इसके दरवाजे का थंप भी बहुत अच्छा, सो दे आर यूजिंग गुड क्वालिटी मटीरियल एवरीवेयर। आपको दरवाजे से पता लग जाता है, नो डाउट आई एम यूजिंग अ सियाज, बट मैं मारुतिस की इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ कि उनके अंदर ये सॉलिड फील नहीं है, तभी मुझे फोर्ड और महिंद्रा बहुत पसंद आई थी एक्सयूवी। सो दे आर गुड ऑन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस हैज़ वेरी गुड स्पेस पीछे, नॉट लाइक कि आपने सिर्फ एक बॉटल फंसानी है, आराम से बॉटल कंफर्टेबली रख सकते हो और उसके साथ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हो। नॉर्मली गाड़ियों में सिर्फ बॉटल की जगह होती है, आप छोटा मोटा सामान साइड पर डोर हैंडल्स पर नहीं रख सकते, रियर वाले में, फ्रंट में तो होती है, बट इसमें रियर में भी खुली जगह, तो दिस इज लाइक अ वेरी गुड थिंग। और बूट स्पेस इसका बहुत बड़ा है, आपको गाड़ी के साइज से लगता है कि शायद इतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि एक्सयूवी की फील बड़ी कार वाली है, बट उसका भी बूट स्पेस बहुत छोटा है, बट दे हैव मास्टर्ड इट रियली वेल। आपको इसमें कोई कमी वाली फील नहीं आएगी, इट्स लाइक अ वेरी गुड कंफर्टेबल बूट स्पेस। देयर इज स्पेयर टायर विच इज नॉट एन अलॉय, 15 इंच का स्पेयर टायर है, सो दिस इज लाइक अ स्मॉलर टायर देन वॉट दे आर गिविंग, स्पेस सेवर टायर है, तो अगर आपको ये सिर्फ स्टपनी के लिए यूज कर सकते हो। दे हैव लाइट, दे हैव मे बी दिस इज अ स्पीकर और अ सबवूफर, आई एम नॉट श्योर, बट सिंस सबवूफर, सो दिस इज सबवूफर सिंस इट्स अ बोस साउंड सिस्टम। कोड्राइवर सीट के नीचे एम्पलीफायर लगा हुआ बोस का। सो साउंड टेस्ट, कोई बात तो हूँ, मुझे साउंड टेस्ट कभी यूट्यूब के समझ नहीं आते, बिकॉज आई थिंक आपको पता होगा कि अगर मैं किसी कार में साउंड टेस्ट लेके अपने मोबाइल पे सुन रहा हूँ तो मेरे मोबाइल के माइक्रोफोन के थ्रू वो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, सो आपको कभी नहीं पता लगेगा कि वो गाड़ी की साउंड क्वालिटी कैसी है। साउंड क्वालिटी के लिए आपको एक्चुअली उसमें बैठना पड़ेगा। सो रैपिंग दिस अप, द सेक्सी एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्स गोइंग टू बी ऑन इंडियन रोड्स, ऑनेस्टली इसको आराम से बेस्ट लुकिंग कार इन इंडिया का अवार्ड दिया जा सकता है, दिस इज सच अ गुड लुकिंग कार। So I'm going to put this drive video, जिस दिन ये वीडियो आएगी अगले दिन उसके ड्राइव वीडियो डालने वाला हूँ, बिकॉज ड्राइव हमने शेड्यूल कर लिया है, सो इफ यू वॉन्ट टू वॉच दैट, एंड ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू रीच आर गोल ऑफ 1 लाख सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ 2020। और आपको कोई भी मेरे को फीडबैक देना हो, कुछ भी चीज़ हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कमेंट। थैंक यू, बाय।